हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक, ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत, इससे पहले मैं प्रीवियस वीडियो में आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझा चुका हूं। और न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि उसमें दो प्रकार के जो अब शर्करा पाई जाती हैं, एक राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। तो जिस न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड के साथ डीऑक्सीराइबोज शर्करा जुड़ी होती है उसको हम डीएनए कहते हैं, और जिसमें राइबोज शर्करा आकर के जुड़ी रहती है उसे हम आरएनए कहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आपको इन चीज़ों के बारे में पहले से क्लियर कर चुका हूं, और मैंने डीएनए और आरएनए के बारे में भी आपको बता चुका हूं। आज मैं डीएनए की संरचना के बारे में आपको बताऊंगा। डीएनए कितने प्रकार का होता है? तो डीएनए सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। आज हम डीएनए के बारे में, क्योंकि परीक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डीएनए किसे कहते हैं, इसकी संरचना को समझाइए। तो आइए हम बहुत सरल एवं सार शब्दों में ये डीएनए की संरचना को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो डीएनए की संरचना आपको पता है, डीएनए प्रत्येक जुधारियों में पाया जाने वाला एक बायोकेमिकल पदार्थ होता है, और जिसके माध्यम से डीएनए अनुवांशिक पदार्थ भी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतानों में अनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं वह अनुवांशिक सूचनाएं डीएनए के माध्यम से पहुंचती हैं। तो इसके संदर्भ में एक वैज्ञानिक आते हैं, वाटसन एवं क्रिक। हमेशा परीक्षा में इसी नाम से प्रश्न आता है कि वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल समझाइए, या डीएनए मॉडल को वाटसन एवं क्रिक के द्वारा समझाते हुए इसका वर्णन कीजिए। तो वाटसन एवं क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है यह एक कुंडली संरचना, डबल हेलिक्स जिसको हम बोलते हैं, मतलब आपस में दो हेलिक्स आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, इस प्रकार की संरचना बनती है। डबल हेलिक्स कुंडली संरचना का अध्ययन किसने? वाटसन एवं क्रिक ने कुंडली संरचना का अध्ययन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एवं रासायनिक विश्लेषणों के माध्यम द्वारा किया। किसने किया? एक वैज्ञानिक का नाम आता है विल्किंस ने किया था। डीएनए की कुंडली संरचना का अध्ययन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एवं रासायनिक विश्लेषणों के द्वारा विल्किंस ने किया था, और जेडी वाटसन, इसका पूरा नाम, वाटसन का पूरा नाम है जेडी वाटसन, और क्रिक का नाम है, पूरा नाम है FHC क्रिक, जेडी वाटसन और FHC क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना को बताया। इन्होंने किसने? वाटसन और क्रिक ने। इन्होंने डीएनए की अणु की संरचना को स्पष्ट करने के लिए डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, इनको मैं पॉइंट वाइज आपको समझाने का प्रयास करूंगा, कि वो उन्होंने बताया। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्या है उन्होंने बताया? वह बताते हैं कि डीएनए दो समानांतर स्टैंड या लंबे धागे नुमा, कैसी संरचना है? धागे नुमा। आपको सिर्फ डायग्राम को समझना है कि डीएनए अणु दो न्यूक्लियोटाइड्स या दो स्टैंड या लंबे धागे नुमा पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। पहली चीज, इसको अभी आप डायग्राम को मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको पॉइंट वाइज को लिखा भी दूंगा कि उन्होंने बताया कि जो डीएनए है इसमें जो डीएनए ये दो समानांतर स्टैंड या लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड धागेनुमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, और इसके केंद्र में एक धागेनुमा एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर एक सर्पिलाकार क्रम में, इसको हम केंद्रीय अक्ष मान लेते हैं, और इस केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार में यह कुंडलित रहता है। इसको आप एक दूसरे मच्छी साफ समझने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए ये केंद्रीय अक्ष ये है, तो इसमें ये सर्पिलाकार रूप में यह क्या हो रहता है? डबल हेलिक्स ऐसे बना लेते हैं, या सर्पिलाकार क्रम में एक दूसरे साथ जुड़े हुए रहते हैं। पहला आपको सेंटेंस ये याद रखना है।
कि डबल हेली जो समानांतर स्टैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है और केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में आपस में यह जुड़े हुए होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका आप देखिए कि प्रत्येक स्टैंड, अब देखो हम यहां पर दो अलग अलग स्टैंड की बात करें तो एक स्टैंड आपका ये है और एक स्टैंड आपका ये है। तो बोलता है प्रत्येक स्टैंड की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है वह अनेक न्यूक्लियोटाइड के क्रम में श्रृंखलाबद्ध रहती है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से यह आपस में जुड़े हुए बने रहते हैं। इसके बाद बोलता है कि प्रत्येक जो स्टैंड होता है यह अलग अलग नाइट्रो न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में आपस में जुड़े हुए होते हैं। दोनों हेलिक्स, एक हेलिक्स ये, एक हेलिक्स ये, दोनों हेलिक्स के एक कुंडल में, एक कुंडल ये यहां पर एक कुंडल हुआ, एक कुंडल में पांच जोड़ी या पांच जोड़ी या दस नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। बोलता है प्रत्येक कुंडल में दस, देखो एक दो तीन चार पांच, प्रत्येक जोड़ी कुंडलन में पांच जोड़ी या दस नाइट्रोजनी क्षारक, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, दस नाइट्रोजनी क्षारक या उनको हम पांच फाइव पेयर कहें, पांच जोड़ी या दस टोटल नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। दोनों श्रृंखलाओं के जो नाइट्रोजनी क्षारक है इनको हम नाइट्रोजनी क्षारक बोलते हैं। यहां पर डायग्राम में आप देखिएगा, ये ए मतलब एडनिन, टी मतलब थायमिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन, सी मतलब साइटोसिन, मतलब ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा है, थायमिन एडनिन के साथ जुड़ा है और एडनिन थायमिन के साथ जुड़ा है। यहां पर आपको ये बॉन्ड जो दिखा रहा है, ये बॉन्ड आपको डबल, ये हाइड्रोजन बंद होते हैं, कोई डबल बंद और कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को प्राप्त हो रहे हैं ये संरचना। अब प्रत्येक नाइट्रोजनी क्षारक किससे आके जुड़ा है फ्रेंड्स, ये जुड़ा है सुगर से, पेंटोस सगरा या सुगर से यह आपस में आकर के जुड़ा होता है। और प्रत्येक सुगर का अणु किससे जुड़ा है, फास्फेट समूह से जुड़ा हुआ है। अब इस आधार पर दोनों श्रृंखलाओं में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जैसे एडनिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, थायमिन के साथ, ग्वानिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, साइटोसिन के साथ, तो बोलता है अंदर की ओर, ये स्टैंड में अंदर की ओर आमने सामने स्थित रह करके डीएनए स्टैंड में एक सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, एक सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। और ये जो बेस जो बाहर की ओर रहते हैं, मतलब ये वाला, ये जो बेस है, ये बेस आकर के किससे जुड़े हुए हैं, तो इसके जो बेस होते हैं ये बेस आकर के डी ऑक्सी राइबो सकरा से जुड़ते हैं। इनका जो बेस किनारा आधार वाला भाग है वो किससे जुड़ा हुआ है, डीऑक्सी राइबो सकरा से आकर के जुड़ा हुआ रहता है। अब स्टैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स के जो सकरा के जो अणु हैं, ये सकरा के अणु अपने बाहर की ओर या बीच में कि कौन से बंध के द्वारा, तो इन बंधों को हम बोलेंगे फास्फोएस्टर बंध कहा जाता है। ये आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड इकाई के डीऑक्सीराइबोज सकरा के 5-कार्बन, ये 5-कार्बन बोलता है, इसके एक सिरा हो गया 5-कार्बन का और दूसरा न्यूक्लियोटाइड का एक सिरा कौन सा हो जाता है, 3-कार्बन के सिरे से। तो एक सिरा इसका देखो 5 से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा इसे किससे जुड़ा हुआ है, 3 से। यहां पर आप देखेंगे इधर मैंने पूरे आपको 3 सिरा से आपको सुगर को बताया हुआ है और ये हो गए आपके 5 सिरे। तो एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है बोलता है 3 सिरे से, दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, 5 सिरे से जुड़े, 5 सिरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब डीएनए, यह जो डीएनए आपके सामने प्रस्तुत है, डीएनए के जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में पिरिमिडीन और प्यूरिन, कल मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनी क्षारक को दो प्रकार से हमने बांटा हुआ है, एक होते हैं पिरिमिडीन, दूसरा होता है एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन्स, एडनिन और आपने ग्वानिन का हमने बात की थी वो आपका प्यूरिन है, साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल आपके क्या है, पिरिमिडीन्स है। उसी को यहां पर बोलता है कि डीएनए में जो डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स के क्षारकों की मात्रा बिल्कुल बराबर या समानुपात में पाए जाते
हैं। कल मैं प्रीवियस वीडियो में आपको इस चीज को बता चुका हूं मैं कि सर डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वह समान अनुपात में होते हैं, जबकि आरएनए में ऐसा कोई अनुपात नहीं पाया जाता है। एक श्रृंखला का एडेनिन, मान लो एडेनिन ये है, एडेनिन डबल बॉन्ड, दूसरी श्रृंखला के देखो इसकी श्रृंखला ये हो गई और इस स्टैंड की श्रृंखला यहां तक है। तो पहले स्टैंड की में मान लीजिए एडेनिन है और दूसरे स्टैंड में कौन है, थायमिन है। तो बोलता है कि एक श्रृंखला का एडेनिन दूसरी श्रृंखला के थायमिन से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बंधों के द्वारा तथा एक श्रृंखला का ग्वानिन दूसरे श्रृंखला के साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंधों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। कि पूरी श्रृंखला किस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई है, तो आप देखेंगे ए जुड़ा हुआ है टी के साथ, जी जुड़ा हुआ है साइटोसिन के साथ, मतलब ग्वानिन जुड़ा हुआ है साइटोसिन के साथ, या आप साइटोसिन जुड़ा हुआ है ग्वानिन के साथ, थायमिन जुड़ा हुआ है एडेनिन के साथ, थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है, ग्वानिन जुड़ा हुआ है, इसको अपन चेंज कर लेते हैं, साइटोसिन जुड़ा हुआ है ग्वानिन के साथ, सेम प्रक्रिया में फिर एडेनिन जुड़ा हुआ है थायमिन के साथ, और फिर क्या है, फिर साइटोसिन जुड़ा हुआ है ग्वानिन के साथ। तो ये इस प्रकार से श्रृंखला में यह जुड़े हुए रहते हैं, और ये बीच में इनके ये किसको बता रहा है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अब कोई डबल बॉन्ड है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है। अब डीएनए की जो एक श्रृंखला बन गई हमारी, इस श्रृंखला में जो जो श्रृंखला बनी हुई है, इसमें फास्फोडाइएस्टर बंध कैसे जुड़े हुए हैं, 3' से किस दिशा में, 5' दिशा में जुड़े हुए रहते हैं। और दोनों जो स्टैंड हैं, हम ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, ये जो इसके दोनों स्टैंड हैं, इन दोनों स्टैंड की जो बीच में आपस में दूरी कितनी होती है, तो बीच में दूरी होती है 20 एम स्ट्रॉन्ग इनकी दूरी होती है, और इन दूरी को यदि हम बांटते हैं तो 20 एम स्ट्रॉन्ग में हम अध्ययन करते हैं, और डीएनए का जो व्यास कितना होता है कोई आपसे पूछता है, तो 20 का 20 एम स्ट्रॉन्ग का व्यास होता है। नाइट्रोजनी क्षार की जो दूरी होती है, जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं इनकी बीच की दूरी 3.4 एम स्ट्रॉन्ग लगभग इनकी दूरी पाई जाती है, और एक कुंडलन में बोलता है नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े पाए जाते हैं। अब एक कुंडल की लंबाई कितनी होगी, कोई आपसे पूछता है कि यहां से यहां तक की टोटल लंबाई कितनी होगी, तो इनकी टोटल लंबाई होती है 34 एम स्ट्रॉन्ग लगभग इनकी क्या होती है, लंबाई होती है। तो इस प्रकार से आप डीएनए के मॉडल को, संरचना को चित्र के माध्यम से और चित्रों के आधार पर इसको समझते हुए आप उसका वर्णन बहुत अपने आसानी से सरल शब्दों में कर सकते हैं। थैंक यू।